मेरे प्यारे देशवासियों, आज फिर मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला है। आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री ऐसी बातें क्यों करता है। एक तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री कम प्रधान सेवक ज्यादा हूं। बचपन से एक बात मैं सुनते आया हूं और शायद वही मन की बात की प्रेरणा है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। मन की बात में मैं कभी दुख भी बांटता हूं, कभी सुख भी बांटता हूं। मैं जो बातें करता हूं वो मेरे मन में कुछ पीड़ाएं होती हैं, उसको आपके बीच में प्रकट करके अपने मन को हल्का करता हूं। और कभी कभी सुख की कुछ बातें हैं जो आपके बीच बांट करके मैं उस खुशी को चौगुना करने का प्रयास करता हूं। मैंने पिछली बार कहा था कि लंबे अरसे से मुझे हमारी युवा पीढ़ी की चिंता हो रही है। चिंता इसलिए नहीं हो रही है कि आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, चिंता इसलिए हो रही है कि किसी माँ का लाल, किसी परिवार का बेटा या बेटी ऐसे दलदल में फंस जाते हैं तो उस व्यक्ति का नहीं, वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है, समाज, देश सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ड्रग्स, नशा ऐसी भयंकर बीमारी है, ऐसी भयंकर बुराई है जो अच्छों अच्छों को हिला देती है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था तो मुझे कई बार हमारे अच्छे अच्छे अफसर मिलने आते थे, छुट्टी मांगते थे। मैं पूछता था क्यों, पहले तो नहीं बोलते थे लेकिन जरा प्यार से बात करता तो बताते थे कि बेटा बुरी चीज़ में फंसा है, उसको बाहर निकालने के लिए मुझे अब ये सब छोड़ छाड़ करके उसके साथ रहना पड़ेगा। और मैंने देखा था कि जिनको मैं बहुत बहादुर अच्छे अफसर मानता था वे भी सर रोना ही बाकी रह जाता था। मैंने ऐसे कई माताएं देखी है। मैं एक बार पंजाब में गया था तो वहाँ माताएं मुझे मिली थी, बहुत गुस्सा भी कर रही थी, बहुत पीड़ा व्यक्त कर रही थी। हमने इसकी चिंता समाज के रूप में करनी होगी। और मैं जानता हूं कि बालक जो इस बुराई में फंसता है तो कभी कभी हम उस बालक को दोषी मानते हैं, बालक को बुरा मानते हैं। हकीकत यह है कि नशा बुरा है, बालक बुरा नहीं है। नशे की लत बुरी है, बालक बुरा नहीं है। हम अपने बालक को बुरा न माने, आदत को बुरा माने, नशे को बुरा माने और उससे दूर रखने के रास्ते खोजें। बालक को ही धुतकार देंगे तो और नशा करने लग जाएगा। ये अपने आप में एक साइको सोशियो मेडिकल प्रॉब्लम है और उसको हमने साइको सोशियो मेडिकल प्रॉब्लम के रूप में ही ट्रीट करना पड़ेगा, उसी के रूप में हैंडल करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि कुछ समस्याओं का समाधान मेडिकल से परे है, व्यक्ति स्वयं, परिवार, यार दोस्त, समाज, सरकार, कानून, सबको मिलकर के एक दिशा में काम करना पड़ेगा। ये टुकड़ों में करने से समस्या का समाधान नहीं होना है। मैं भी आसाम में डीजीपी की कॉन्फ्रेंस रखी थी, मैंने उनके सामने मेरी ये पीड़ा को आक्रोश के साथ व्यक्त किया था। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी गंभीर बहस करने के लिए, उपाय खोजने के लिए कहा है। मैंने डिपार्टमेंट को भी कहा है कि क्यों ना हम एक टॉल फ्री हेल्पलाइन शुरू करें ताकि देश के किसी भी कोने में जिस माँ बाप को
ये मुसीबत है कि उनके बेटे में उनको लग रहा है कहीं ड्रग्स की दुनिया में फंसा है। एक तो उनको दुनिया को कहने में शर्म भी आती है, संकोच होता है, कहाँ कहे। एक हेल्पलाइन बनाने के लिए मैंने शासन को कहा है, वो बहुत ही जल्द उस दिशा में जरूर सोचेंगे और कुछ करेंगे। उसी प्रकार से मैं जानता हूँ ड्रग्स तीन बातों को लाता है, और मैं उसको कहूँगा एक बुराइयों वाला ही 3D है, मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 1D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन, और तीसरा D है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है, और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही चिंता के विषय पर मैंने चर्चा की है। जब मैंने पिछले मन की बात के कार्यक्रम में इस विषय का स्पर्श किया था, देश भर में से करीब 7,000 से ज़्यादा चिट्ठियाँ मुझे आकाशवाणी के पते पर आई। सरकार में जो चिट्ठियाँ आई वो अलग, ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर mygov.in पोर्टल पर हजारों ईमेल आए, ट्विटर फेसबुक तो पर शायद लाखों कमेंट्स आई है। एक प्रकार से समाज के मन में पड़ी हुई बात एक साथ बाहर आना शुरू हुआ है। मैं विशेष करके देश के मीडिया का भी आभारी हूँ कि इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। कई टीवी ने विशेष एक एक घंटे के कार्यक्रम किए, और मैंने देखा कि उसमें सिर्फ सरकार की बुराइयों का कार्यक्रम नहीं था, एक चिंता थी। और मैं मानता हूँ एक प्रकार से समस्या से बाहर निकलने की जद्दोजहद थी, और उसके कारण एक अच्छा विचार विमर्श का तो माहौल शुरू हुआ है। सरकार के जिम्मे जो बातें हैं वो भी सेंसिटाइज हुए, उनको भी लगता है कि अब ये उदासीन नहीं रह सकते हैं। मैं कभी कभी नशे में डूबे हुए उन नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने सोचा है कि आपको 2 घंटे 4 घंटे नशे के लत में शायद एक अलग जिंदगी जीने का एहसास होता होगा, परेशानियों से मुक्ति का एहसास होता होगा, लेकिन क्या आपने अपने कभी सोचा है कि जिन पैसों से आप ड्रग्स खरीदते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं? आपने कभी सोचा है? कल्पना कीजिए कि यही ड्रग्स के पैसे अगर आतंकवादियों के पास जाते होंगे, इन्हीं पैसों से आतंकवादी अगर शस्त्र खरीदते होंगे, और उन्हीं शस्त्र से कोई आतंकवादी मेरे देश के जवान के सीने में गोलियां दाग देता होगा, मेरे देश का जवान शहीद हो जाता होगा, तो क्या कभी सोचा है आपने? किसी माँ के लाल को मारने वाला, भारत माँ के एक प्राण प्रिय देश के लिए जीने मरने वाले सैनिक के सीने में गोली लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना? उस गोली में कहीं ना कहीं तुम्हारी नशे की आदत का पैसा भी है, एक बार सोचिए। और जब आप इस बात को सोचोगे, मैं विश्वास से कहता हूँ, आप भी तो भारत माता को प्रेम करते हैं, आप भी तो देश के सैनिकों को सम्मान करते हैं, फिर आप आतंकवादियों को मदद करने वाली, ड्रग माफियाओं को मदद करने वाली इस कारोबार को मदद कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब जीवन में निराशा आ जाती है, विफलता आ जाती है, जीवन में कोई रास्ता नहीं सूझता है, तब आदमी नशे की लत पर चढ़ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ऊंचे इरादे नहीं है, एक वैक्यूम है, वहां पर ड्रग का प्रवेश करना सरल हो जाता है। ड्रग से अगर बचना है, आपके बच्चों को बचाना है, तो उनको ध्येयवादी बनाइए, कुछ करने के इरादे वाले बनाइए, सपने देखने वाले बनाइए। आप देखिए, फिर उसको बाकी चीजों की तरफ मन ही नहीं लगेगा, उसको लगेगा नहीं मुझे करना है। आपने देखा होगा जो खिलाड़ी होता है, ठंड में रजाई लेकर के सोने का मन सबको करता है, लेकिन वो नहीं सोता है, वो चला जाता है खुले मैदान में, सुबह 4 बजे 5 बजे चला जाता है। क्यों? ध्येय तय हो चुका है। ऐसे ही
आपका कोई बच्चे में ध्येयवादिता नहीं होगी तो फिर ऐसी बुराइयों के प्रवेश का रास्ता बन जाता है। मुझे आज स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द याद आते हैं, हर युवा के लिए वो बहुत सटीक वाक्य है उनके, और मुझे विश्वास है कि वाक्य आप बार बार गुनगुनाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एक विचार को ले लो, उस विचार को अपना जीवन बना दो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जीवन में उतार लो, अपने दिमाग, मांसपेशियां, नसों, शरीर के प्रत्येक हिस्से को उस विचार से भर दो और अन्य सभी विचार छोड़ दो। विवेकानंद जी का यह वाक्य हर युवा मन के लिए बहुत काम आ सकता है, और इसलिए मैं युवकों से कहूंगा, ध्येयवादी बनने से ही बहुत सी चीजों से बचा जा सकता है। कभी कभी यार दोस्तों के बीच में रहते हैं तो लगता है कि ये बड़ा कूल है, कुछ लोगों को लगता है ये स्टाइल स्टेटमेंट है, और इसी वनअपमैनशिप में ही कभी कभी पता न रहते हुए ऐसी गंभीर बीमारी में फंस जाते हैं। न ये स्टाइल स्टेटमेंट है, न ये कूल है, हकीकत में तो ये बर्बादी का मंजर है। और इसलिए हम सबके हृदय से अपने साथियों को, मैं जब नशे के गौरवगान होते हो, हम अपने अपनी मजाक की बातें बताते हो, तालियां लेते हो, तब नो कहने की हिम्मत कीजिए, रिजेक्ट करने की हिम्मत कीजिए। इतना ही नहीं, उनको भी ये गलत कर रहे हो, अनुचित कर रहे हो, ये कहने की आप हिम्मत जताइए। मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूँ, हमारे पास आजकल समय नहीं है, दौड़ रहे हैं, जिंदगी का गुजारा करने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन इस दौड़ के बीच में भी अपने बच्चों के लिए हमारे पास समय है क्या? क्या कभी हमने देखा है कि हम ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ उनकी लौकिक प्रगति की ही चर्चा करते हैं, कितने मार्क्स लाया, एग्जाम कैसी गई, ज़्यादातर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या कभी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, हमारी बातों का दायरा इतना सीमित है। क्या कभी उसके हृदय के भीतर जाकर के अपने बच्चों को अपने पास खोलने के लिए हमने अवसर दिया है? आप ये जरूर कीजिए। अगर बच्चे आपके साथ खुलेंगे तो वह क्या चल रहा है पता चलेगा। बच्चे में बुरी आदत अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे शुरू होती है, और जैसे जैसे बुराई शुरू होती है तो घर में उसका बदलाव भी शुरू होता है। उस बदलाव को बारीकी से देखना चाहिए। उस बदलाव को अगर बारीकी से देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल बिगिनिंग में ही अपने बालक को बचा लेंगे। उसके यार दोस्तों की भी जानकारी रखिए, और सिर्फ प्रगति के आसपास बातों को सीमित न रखें। उसके जीवन की गहराई, उसकी सोच, उसके तर्क, उसके विचार, उसकी किताब, उसके दोस्त, उसके मोबाइल फोन्स, क्या हो रहा है, कहाँ उसका समय बीत रहा है, अपने बच्चों को बचाना होगा। मैं समझता हूँ जो काम माँ बाप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ सदियों से अपने पूर्वजों ने कुछ बातें बड़ी विद्वत्तापूर्ण कही है, और तभी तो उनको स्टेट्समैन कहा जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है, 5 वर्ष लव लीजिए 10 लव ताड़न देई, 5 वर्ष लव लीजिए 10 लव ताड़न देई, सुत ही 16 वर्ष में मित्र सरिस गनी देई, सुत ही 16 वर्ष में मित्र सरिस गनी देई। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे की 5 वर्ष की आयु तक माता पिता प्रेम और दुलार का व्यवहार रखें, इसके बाद जब पुत्र 10 वर्ष का होने हो तो उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन का आग्रह होना चाहिए। और कभी कभी हमने देखा है कि जो समझदार माँ रूठ जाती है, एक दिन बच्चे से बात नहीं करती है, बच्चे के लिए बहुत बड़ा दंड होता है। दंड माँ तो अपने को देती है, लेकिन बच्चे को भी सजा हो जाती है। माँ कह दे कि बस आज मैं बोलूँगी नहीं, आप देखिए
10 साल का बच्चा पूरे दिन परेशान हो जाता है, वो अपनी आदत बदल देता है, और 16 साल का जब हो जाए तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए, खुल करके बात होनी चाहिए। ये हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी बात बताई है, मैं चाहता हूं कि ये हमारे पारिवारिक जीवन में इसका कैसे हो उपयोग। एक बात मैं देख रहा हूं दवाई बेचने वालों की, कभी कभी तो दवाइयों के साथ ही इस प्रकार की चीज़ें आ जाती है, जब तक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ऐसी दवाइयां न दी जाएं, कभी कभी तो कफ सिरप भी ड्रग्स की आदत देने की शुरुआत बन जाता है, नशे की आदत की शुरुआत बन जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं इसकी चर्चा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस डिसिप्लिन को भी हमको स्वीकार करना होगा। इन दिनों अच्छी पढ़ाई के लिए गांव के बच्चे भी अपना राज्य छोड़ करके अच्छी जगह पर एडमिशन के लिए बोर्डिंग लाइफ जीते हैं, हॉस्टल में जीते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि वो कभी कभी इस बुराइयों का प्रवेश द्वार बन जाता है। इसके विषय में शैक्षिक संस्थाओं ने, समाज ने, सुरक्षा बलों ने, सब ने बड़ी जागरूकता रखनी पड़ेगी। जिसकी जिम्मेवारी हो, जिम्मेवारी पूरा करने का प्रयास होगा, सरकार के जिम्मे जो होगा वो सरकार को भी करना ही होगा, और इसके लिए हमारा प्रयास रहना चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ, मुझे जो चिट्ठियाँ आई हैं बड़ी बड़ी रोचक चिट्ठियाँ, बड़ी दर्दनाक चिट्ठियाँ भी हैं, बड़ी प्रेरक चिट्ठियाँ भी हैं। मैं आज सबका उल्लेख तो नहीं करता हूँ, लेकिन एक मिस्टर दत्त करके थे जो नशे में डूब गए थे, जेल गए, जेल में भी उन पर बहुत बंधन थे, लेकिन बाद में जीवन में बदलाव आया, जेल में भी पढ़ाई की और धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। उनकी एक कथा बड़ी प्रचलित है कि रवड़ा जेल में थे, ऐसे तो कईयों की कथाएं होगी, कई लोग हैं जिसमें से बाहर आए हैं, हम बाहर आ भी सकते हैं और आना भी चाहिए, उसके लिए हमारा प्रयास भी होना चाहिए। उसी प्रकार से आने वाले दिनों में मैं सेलिब्रिटीज़ को भी आग्रह करूँगा, चाहे सिने कलाकार हो, खेल जगत से जुड़े हुए लोग हो, सार्वजनिक जीवन से लोग जुड़े हुए हो, सांस्कृतिक संत जगत हो, हर जगह से इस विषय पर बार बार लोगों को जहाँ भी अवसर मिले हमने जागरूक रखना चाहिए, संदेश देते रहना चाहिए, उससे एक जरूर लाभ होगा। जो सोशल मीडिया में एक्टिव है उनसे मैं आग्रह करता हूँ, क्या हम सब मिलकर के ड्रग फ्री इंडिया हैशटैग के साथ एक लगातार मूवमेंट चला सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया से जुड़े हुए ज़्यादातर बच्चे सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। अगर हम ड्रग फ्री इंडिया हैशटैग इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक लोक शिक्षा का एक अच्छा माहौल हम खड़ा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बात को हम और आगे बढ़ाएं, हम सब कुछ न कुछ प्रयास करें, जिन्होंने सफलता पाई है वो इसको शेयर करते रहें। लेकिन मैंने इस विषय को इसलिए स्पर्श किया है, मैंने कहा ना दुख बांटने से कम होता है, देश की पीड़ा है, ये मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ और न ही मुझे उपदेश देना कोई हक है, सिर्फ अपना दुख बांट रहा हूँ। या तो जिन परिवारों में ये दुख है उस दुख में मैं शरीक होना चाहता हूँ और मैं एक जिम्मेवारी का माहौल क्रिएट करना चाहता हूँ। हो सकता है इस विषय में मतमतांतर हो सकते हैं, लेकिन कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। मैंने कहा था मैं खुशियां भी बांटना चाहता हूँ, मुझे गत सप्ताह ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मिलने का मौका मिला, वर्ल्ड कप जीत करके आए थे, लेकिन उनका जो मैंने उत्साह देखा, उमंग देखा, आत्मविश्वास देखा, परमात्मा ने जिसे हमें आंखें दिए हैं, हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन शायद ऐसा जज्बा हमारे पास नहीं है जो मैंने उन ब्लाइंड क्रिकेटियरों में देखा था। क्या उमंग था, क्या उत्साह था, यानी मुझे भी उनको मिलकर के ऊर्जा मिली, मुझे भी ऊर्जा मिली। सचमुच में ऐसी बातें जीवन को बड़ा बड़ा ही आनंद देती है। पिछले दिनों एक खबर चर्चा में रही, जम्मू कश्मीर के क्रिकेट टीम ने मुंबई जाकर के मुंबई की टीम को हराया। मैं इसे हार जीत के रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं इस घटना को दूसरे रूप में देख रहा हूँ। पिछले लंबे समय से कश्मीर में बाढ़ के कारण सारे मैदान पानी से भरे थे, कश्मीर संकटों से गुजर रहा है हम जानते हैं,
कठिनाइयों के बीच भी इस टीम ने जो टीम स्पिरिट के साथ, बुलंदी के हौसले के साथ जो विजय प्राप्त किया है वह अभूतपूर्व है। और इसलिए कठिनाइयां हैं, विपरीत परिस्थितियां हो, संकट हो, उसके बावजूद भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये जम्मू कश्मीर के युवकों ने दिखाया है। इसलिए मुझे इस बात को सुनकर के विशेष आनंद हुआ, गौरव हुआ और मैं इन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। दो दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने योग को, पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस में माने इसके लिए स्वीकृति दी। भारत के लिए बहुत ही गौरव का, आनंद का अवसर है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने इस महान परंपरा को विकसित किया था, उसने आज विश्व जुड़ गया। योग व्यक्ति के जीवन में तो लाभ करता था, लेकिन योग ने यह भी दिखा दिया वो दुनिया को जोड़ने का कारण बन सकता है। सारी दुनिया योग के मुद्दे पर यूएन में जुड़ गई और मैं देख रहा हूं कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव दो दिन पहले पारित हुआ और 177 देश 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बने। भूतकाल में नेल्सन मंडेला जी के जन्मदिन को मनाने का निर्णय हुआ था, तब 165 कंट्रीज को स्पॉन्सर बनी थी। उसके पूर्व इंटरनेशनल टॉयलेट के लिए प्रयास हुआ था तो 122 कंट्री स्पॉन्सर हुई थी। उसके पहले 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के लिए 140 कंट्री को स्पॉन्सर बनी थी। इस प्रकार के प्रस्ताव में 177 कंट्री ने को स्पॉन्सर बनना यानी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। दुनिया के सभी देशों का मैं आभारी हूं जिन्होंने भारत की इस भावना का आदर किया और विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय किया। हम सबका दायित्व बनता है कि योग की सही भावना लोगों तक पहुंचे। पिछले सप्ताह मुझे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग करने का अवसर मिला था। मुख्यमंत्रियों की मीटिंग तो 50 साल से हो ही रही है, 60 साल से हो रही है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर मिलना हुआ और उससे भी अधिक हमने एक रिट्रीट का कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसमें हाथ में कोई कागज नहीं, कलम नहीं, साथ में कोई अफसर नहीं, कोई फाइल नहीं, सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बराबर के मित्र के रूप में बैठे 2-2.5 घंटों तक समाज के, देश के भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत गंभीरतापूर्वक बातें की और हल्के फुल्के वातावरण में बातें की, मन खोल करके बातें की, कहीं उस पर राजनीति की छाया नहीं थी। मेरे लिए ये बहुत ही आनंददायक अनुभूति थी, उसको भी मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह मुझे नॉर्थ ईस्ट जाने का अवसर मिला, मैं 3 दिन वहाँ रहा। मैं देश के युवकों को विशेष आग्रह करता हूँ कि आपको अगर ताजमहल देखने का मन करता है, आपको अगर सिंगापुर देखने का मन करता है, आपको कभी दुबई देखने का मन करता है, मैं कहता हूँ दोस्तों प्रकृति देखनी है, ईश्वर का प्राकृतिक रूप देखना है तो आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए। मैं पहले भी जाता था लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब गया तो वहाँ की शक्ति को पहचानने का प्रयास किया। अपार शक्तियों की संभावनाओं से भरा हुआ हमारा नॉर्थ ईस्ट है, इतने प्यारे लोग हैं, इतना उत्तम वातावरण है। मैं सचमुच में बहुत आनंद लेकर के आया हूँ। कभी कभी लोग पूछते हैं ना, मोदी जी आप थकते नहीं हैं क्या? मैं कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट जाकर तो लगता है कि शायद कहीं कोने में भी थकान हुई होगी तो वो भी चली गई, इतना मुझे आनंद आया। और जो प्यार दिया वहाँ के लोगों ने, जो मेरा स्वागत सम्मान, वो तो एक बात है, लेकिन जो अपनापन था वो सचमुच में मन को छूने वाला था, दिल को छूने वाला था। मैं आपको भी कहूँगा ये सिर्फ मोदी को ही ये मजा लेने का अधिकार नहीं है, भारत के हर देशवासी को है, आप जरूर इसकी मजा लीजिए। अगली मंगली बात होगी तब तो 2015 आ जाएगी, 2014 का ये मेरा शायद आखिरी कार्यक्रम है। मेरी आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 2015 के नव वर्ष की मैं एडवांस में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि मेरे मन की बात को रीजनल लैंग्वेज की जो रेडियो के चैनल्स है, आपकी जो प्रादेशिक चैनल है, उसमें जिस दिन सुबह मेरी मन की बात होती उस दिन रात को 8 बजे
प्रादेशिक भाषा में होती है, और मैंने देखा है कुछ प्रादेशिक भाषा में तो आवाज भी मेरे जैसे कुछ लोग निकालते हैं। मैं भी हैरान हूं कि इतना बढ़िया काम हमारे आकाशवाणी के साथ जो कलाकार जुड़े हुए वो कर रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और ये लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा मार्ग दिखता है। इतनी बड़ी मात्रा में चिट्ठियाँ आई हैं, तो चिट्ठियों को देख करके हमारे आकाशवाणी ने इसको ज़रा एक तरीका ढूंढा है, लोगों को सहूलियत हो, इसलिए उन्होंने पोस्टबॉक्स नंबर ले लिया है। तो मन की बात पर अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप पोस्टबॉक्स पर लिख सकते हैं, और मन की बात पोस्टबॉक्स 111 आकाशवाणी नई दिल्ली। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके पत्रों का। आपको पता नहीं है आपके पत्र मेरे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आपके कलम से निकली एक आध बात देश के काम आ सकती है, मैं आपका आभारी हूँ। फिर हम 2015 में जनवरी में किसी न किसी रविवार को जरूर 11 बजे मिलेंगे, बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।